तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है कौन न्यू वीडियो में। अभी सोलह मैच में कह रहे थे सोलह ओवर स्क्वाड आया था स्टेडियम के अंदर और बंदे यहाँ पर भर भर के आ जाते हैं। और आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि तुम्हारा भाई कैसे ड्रॉप्स को क्लियर करता है और कैसे सरवाइव करता है आखिरी तक। फिलहाल इस वाले मैच की बात करें तो भाई किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी, उतरते साथ ही मेरे को टॉमी और हीकम मिल जाती है तो छत तो पूरा मेरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बंदे थे छत के ऊपर सबको मैं नीचे वीचे मार मार के भगा देता हूँ। अब उसके बाद देखो मेरे को एक वेस्ट की तलाश थी, वो भी मिल जाती है मेरे को, तो भाई अब कुछ नहीं चाहिए था। अब मैं डायरेक्ट फाइट के लिए तैयार हो जाता हूँ। एक बंदा दिखता है मेरे को, नॉक और फिनिश डालता हूँ मैं, और उसके जस्ट नीचे ही बहुत तगड़ी फाइट चल रही थी तो भाई घुसना तो बनता था। क्योंकि ये दो बंदे होते तो डायरेक्ट जाके फाइट तो ले नहीं सकते थे, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ मतलब उन्हीं बंदों का रश मारने का। लेकिन वो जो बंदे थे भाई रश वश तो मारते नहीं, मतलब ऐसे ही भटक रहे थे वो उधर, तो मैं आवाज जस्ट टीपी पे लेता हूँ। लेकिन मुझे पता था कि भाई अगर दोनों बंदे साथ में आ गए तो भाई दिक्कत हो जाएगी, तो पहले इस बंदे को लपेटता हूँ। और उसके बाद मुझे लगा कि भाई केवल एक ही बंदा बचेगा, लेकिन अचानक से ही भाई तीसरा बंदा भी सामने आ जाता है, तो अब कुल मिलाकर दो ही बंदे बचे थे और इन दोनों से मुझे फाइट लेनी थी। फिलहाल एकेएम की एमओ थोड़ी बहुत समाप्त हो चुकी थी, तो मैंने छत के ऊपर एक यूजी और एक भाईजन देखी थी, तो मैं दूसरी गन की तलाश में भाई फटाफट से छत के ऊपर आता हूँ और इतनी देर में भाई वो बंदे मेरे ऊपर रश मार देते हैं, तो बस देखते जाओ। और चलो इसी के साथ ये वाली स्क्वाड भी निपट गई। अब इसके बाद क्या होता है कि भाई स्टेडियम में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता, तो भाई मुझे तो ये लग रहा था कि भाई चलो स्टेडियम क्लियर हो गया, ये बंदा भी डायरेक्ट ही आया था तो मतलब खत्म आप सब कुछ। लेकिन उसके जस्ट बाद ही क्या होता है कि मेरे को एक बॉट का साउंड आता है और मैं इसको मारने के लिए पहुँच भी जाता हूँ। अब जैसे इसको मारा मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन उसके जस्ट बाद ही बस देखना क्या होता है इधर। अब वो तो अच्छा हुआ कि भाई मैं एंड टाइम पे लेफ्ट साइड घुस जाता हूँ, मुझे जैसे ही मैं मतलब अंदर पहुँचता तब मुझे पता लगता है कि भाई एक बंदा मेरे ऊपर नज़र बनाया हुआ था, और ये बंदा जो था भाई स्विमिंग पूल के अंदर था और अकेले ही था, मतलब इसके साथ कोई इसका दूसरा बंदा वंदा नहीं था, तो इसको ईजिली लपेट सकते थे हम। लेकिन भाई अकेले बंदे को भाई कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। अब उसका एक एग्जाम्पल जो है मैं अभी देने वाला हूँ इस बंदे से फाइट लेने के बाद। अब देखो ये जो बंदा था मैं इसको हल्के में ले रहा था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अकेले ही था तो भाई मैं फुल कॉन्फिडेंस में था इसको ईजिली लपेट लेंगे, लेकिन भाई ये बंदा है ना सरप्राइज देने वाला काफी तगड़ा, मतलब काफी अच्छी तरीके से फाइट लेने वाला है। अब मुझे लगा नेट से थोड़ा बहुत डैमेज होगा, मैं पुश कर दूंगा, लेकिन भाई बंदा बच जाता है, डैमेज तक नहीं जाता नेट से। तो उसके बाद देखो मैं जस्ट टॉमी के भरोसे धीरे धीरे इसके मुंह पर जाने की कोशिश कर रहा था। अब मैं यहां पर थोड़ी देर रुक के फुटस्टेप लेता हूं कि भाई ये बंदा आ किधर से रहा है। और अगर यहाँ पर मेरे हाथ में टॉमी की बजाय कोई भी गन होती ना, मतलब ड्रॉप्स वेपन नहीं, मतलब ऐसी M4 AKM या फिर DP क्यों ना होती, तो यहाँ पर मेरी पीटी कंफर्म थी। लेकिन टॉमी की वजह से 50 बुलेट्स के कारण अपन बच जाते हैं। जैसे ही मैं इस बंदे को मार के फर्स्ट एड लगाता ही हूँ, तभी एक गाड़ी का साउंड आता है और गाड़ी में देखो चार के चार बंदे बैठे हुए थे। तो फिलहाल के लिए तो उन्होंने तो मेरे को देख ही लिया था, क्योंकि गन जोन भी इधर से गए थे तो उनको पता था कि यहाँ पर बंदे हैं, लेकिन वो बंदे फिर भी चेक वेक कर रहे थे गाड़ी वाड़ी घुमा के, तो मैं फायर वायर नहीं करता, जस्ट उनका रश मारने का वेट करता हूँ। और फाइनली बंदे मतलब गाड़ी वाड़ी रोक लेते उधर और पुश कर देते हैं। Oh.
अब मुझे इस चीज़ की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अगर मैं थोड़ा बहुत लेफ्ट साइड होके उस बंदे को नॉक करता तो भाई शायद से मैं यहाँ पर बच जाता और शायद से इजीली फाइट भी ले सकते थे अपन। लेकिन भाई जो सीन होना है इधर, मतलब बंदे ने गलत ही एंगल निकाल लिया। अब जो भी हो हम सेकंड मैच लगा लेते और यहाँ पर आए थे इस वाले मैच में हम ईस्ट पोर्ट के अंदर, और यहाँ पर भी जो फाइट्स होने वाले ना, मतलब मज़ा आने वाला है बिल्कुल, क्योंकि बंदे काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं इधर भी। तो मेरे पास देखो वेस्ट नहीं थी, छत के ऊपर एक वेस्ट दिखी थी, फटाफट से मैं आता हूँ वेस्ट उठाता हूँ और बंदों का रश आ रहा है अब एक एक करके। कुल मिलाकर तीन बंदे तो डाउन हो चुके हैं, भारी थी आखिरी बंदी की, और ये भी आता है और इन भाई साहब को भी लपेट लेते हैं। अब देखो जब इन बंदों ने एक बंदे को नॉक करने के बाद रश मारा था ना, तो भाई मैं फटाफट से निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि देखो ये बंदे बिल्कुल अंधा घुस रहे थे और साथ में घुस रहे थे तो फाइट नहीं लिया जाता था उस टाइम पे। तो मैं फटाफट से पूरा घूम के आता हूँ और एक अच्छे एंगल के लिए, मतलब छत के ऊपर आता हूँ, और जैसे ये बंदे मेरे ऊपर रश मारते हैं भाई ईजिली टीवी भी थे वहाँ पर, लपेटता हूँ मैं और निपटा दिया इस पूरी स्क्वाड को। अब उसके बाद क्या होता है कि और भी बंदे बाकी थे और इससे पहले कि भाई ये बंदे मेरे ऊपर ध्यान लगाते, मेरे ऊपर पुश करते, मैं ही फटाफट से इनके ऊपर घुस जाता हूँ, तो देखते रहो बस। और भाई साहब जैसे मैंने छत वाले बंदे को नॉक किया, मुझे लगा कि भाई वेट करते हैं इसके टीममेट्स का, इसको रिवाइव करने के लिए तो ज़रूर आएंगे, इसलिए मैंने उसको फिनिश नहीं करा। लेकिन भाई कंटेनर साइड में जो बंदा था भाई उसने इसका खेल चुरा लिया और भाई मैं भी उसको एट द एंड निपटा ही देता हूँ। और उसके बाद देखो मेरे को नीचे साइड से कुछ फुटस्टेप आ रहे थे, मुझे लगा भाई रियल बंदा है, पुश नहीं करा, तो भाई चलो मैं ही पुश कर देता हूँ। लेकिन ये भेजे तो निकलते हैं बॉट। लेकिन देखो अभी भी जो थे छत के ऊपर जिस बंदे को मैंने नॉक किया था उसके टीममेट्स बाकी थे, इस बात का एहसास तो मुझे भी था। अब अचानक से ही फुटस्टेप आते राइट साइड से, ये भी बॉट लग रहा था मुझे। लेकिन तैयार था मैं इसके लिए भी। अब उसके बाद देखो यहाँ पर इसके और भी टीममेट्स हैं, क्योंकि ये बंदा भी नॉक ही हुआ है तो भाई कहीं से भी धप्पा वप्पा मिल सकता था मेरे को, तो जस्ट मैं ऐसे ही उसके टीममेट्स वगैरह को उकसाने के लिए, क्योंकि देखो उसने इधर एम तो ले ही रखा होगा, क्योंकि उसे भी पता है कि मैं लूटने ज़रूर आऊँगा, तो मैं जस्ट उकसाने के लिए एक स्मोक करके ऐसे ही ओपन में लूटने लग जाता हूँ। और फाइनली बंदा अपने लोकेशन रिवील करता है, लेकिन देखो उसके ऊपर डायरेक्ट तो पुश नहीं कर सकते थे, क्योंकि मेरे को अभी उस बंदे की लोकेशन का जो आइडिया था वो प्रॉपर नहीं था, तो मतलब अगर मैं रश मारूं तो कहीं से भी निकल के मेरे को लपेट सकता है। तो मैं फटाफट से गाड़ी का सहारा लेता हूं, गाड़ी को लेकर फटाफट से पीछे से एक पूरा राउंड मारता हूं और फाइनली मेरे को बंदा स्पॉट होता है और वो वापस से अब अपार्टमेंट के अंदर घुस जाता है। तो मैं भी गाड़ी लेकर वहीं जाकर रोक देता हूं और मस्त फाइट लेते हैं इससे। तो बस देखो अब मुझे लगा कि भाई पिछले मैच की तरह भाई ये बंदा भी टक्कर देगा काफ़ी अच्छा खासा, मुझे लगा जैसे ही मैं नेड करूँगा वो बंदा वहाँ से हटेगा, डैमेज होगा, कम से कम पुश करके फाइट लेंगे। लेकिन ये बंदा तो भाई सीधे नेड में लपेट जाता है, तो हटाता है इसको। और उसके बाद देखो गाड़ी लेकर काफ़ी देर से मैं बंदों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बंदे आखिरकार जाकर इधर अपार्टमेंट साइड मिलते हैं मेरे को। इसी बीच मैंने एमके भी उठा लिया था, तो मस्त यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन भाई फिर भी ऐसे छुलके का डर भाई अभी भी सता रहा था मेरे को। तो नेड्स का यूज़ करके फाइट लेने वाला था मैं।
लेकिन ये भेजी तो भाई एंड टाइम पर ही नीचे कूद जाते हैं, पता नहीं क्या ही कॉन्फिडेंस में था ये। अब देखो एक और बंदा था और वो इधर ना होकर भाई सामने वाले अपार्टमेंट में था, तो देखो वो बंदा अभी तो अपनी लोकेशन वगैरह नहीं दे रहा, लेकिन मेरे को पता था कि वो बंदा उधर है और उसने मेरे को मतलब जस्ट कंफ्यूज करने के लिए स्मोक भी फेंक दिए थे इधर। लेकिन मुझे अभी भी कंफर्म था कि बंदा इसी वाले अपार्टमेंट में है, तो मैं रश मार देता हूँ इधर। अभी इस तीसरे बंदे की तो उम्मीद मैंने बिल्कुल भी नहीं की थी, लेकिन भाई ये पेड़ हमें बचा लेता है। और उसके बाद देखो मैं इसी बीच ना मतलब जिसको मैंने नॉक किया था ना ऊपर, उस बंदे को फिनिश करना भूल जाता हूँ और वो बंदा क्या करता है कि भी रेंगते रेंगते पहुँच जाता है उसके पास, और उधर वो बंदा स्मोक्स करके उसको शायद से रिवाइव भी देने लगा था ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैं फटाफट से एमके के फ्री फायर देता हूँ कुछ, लेकिन अचानक से ही मुझे उस बंदे का किल मिल जाता है। तो अब केवल 1v1 की फाइट बची थी, बंदा ऊपर था और मेरे पास नेड्स नहीं थे बस, और मेरे को अभी भी S12K का डर था, तो इसलिए मैं डायरेक्ट पुश ना करके इधर पेटी से ग्रेनेड्स उठाता हूँ और उसका मस्त फ़ायदा उठाकर मतलब यूज़ करके पुश मारेंगे इस बंदे के ऊपर। तो बस देखते जाओ, अब भले इस बंदे को नेट से डैमेज नहीं पड़ता लेकिन बंदे के कान तो ज़रूर सुने होंगे, और इसलिए बंदा गैस भी नहीं कर पाता मतलब कि मैं रश मार रहा है फिर क्या हो रहा है इसके साथ, और ये बंदा थोड़ा बहुत लेट हो जाता है। अब जैसे इसको निपटाया है एक गाड़ी का साउंड आता है मेरे को, और मुझे लगा ये मेरे ऊपर पुश मारेंगे और मेरे को एक से ज़्यादा लग रहे थे इसलिए मैंने नेट भी कुक कर लिया था। लेकिन ये अकेला ही बंदा निकलता है, अब इसको लगा कि भाई यहाँ से ये मस्त बच के निकल भी जाएगा जोन के अंदर और हम जाने भी देंगे, लेकिन भाई गलत है, ये इसको इजीली लपेटते हैं। और इस वाले स्प्रे के लिए अगर आपने लाइक नहीं किया ना अभी तक तो भाई क्या कर रहे हो यार, जिसने नहीं किया अभी तक फटाफट से जाके लाइक कर दो। और देखो मैं बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से पहुँच जाता हूँ क्योंकि ये भी नॉक हुआ था, और इससे पहले कि भैया रिवाइव हो और बाद में मेरे को ही मार दे भाई मैं फटाफट से पहुँच जाता हूँ उसको फिनिश मारने के लिए। और अभी जो सीन होने वाला ना मतलब मैं उसके लिए कुछ बोलूँगा अभी नहीं, जैसे इसको फिनिश किया मैं गाड़ी लेके बाकी बंदों की तलाश में थोड़ा बहुत आगे बढ़ता ही हूँ कि उसके जस्ट बाद ही क्या होता है अभी देख लो।